भगवान गौतम बुद्ध की बात करते हैं, जो हमारी नई जनरेशन है वो आगे क्यों नहीं आ रही है? कपिल जी, पहले तो मैं आपने आज समय दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम को कवर के लिए, और हमारे विचार भी आप लोगों तक पहुँचाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आपका चैनल। जो हमारे युवा हैं, युवा ही हमारा देश हैं, लेकिन बड़े खेत का विषय है कि अगर युवा आज हमारे बीच नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोष हमारा ही है। हम उनमें सही जो बुद्धि का जो आचरण है उनमें नहीं डाल पाते, जो हमें उनमें आचरण जो बुद्धिहार तक उनको लेना चाहिए, उनमें जो बुद्धि की जो चीज़ें हैं उनकी नींव हम मजबूत करें तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो ऐसा होता नहीं है। तो बिल्कुल जी, एक तो ये है, दूसरा मेन कारण ये है कि जब एक लकड़ी को जब एक कुल्हाड़ी काटती है तो कहीं ना कहीं उसके काटने में उसका साथ देने वाला ना जो लकड़ का जो हथौड़ा होता है वही होता है। तो एक लकड़ का हथौड़ा ही एक कुल्हाड़ी के माध्यम से कटाता है। तो सीधी सी बात यह है कि हमारे आदमियों को हमारे आदमी काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा युवा वर्ग भी इसमें भटका हुआ है। आज हमारे जो युवा हमसे मिलते हैं वो हमसे पूछते हैं, जी अगर मेला है तो हमें कहाँ जाना है? तो हमें उनको बताना पड़ता है कि बाबा साहब की संस्था कौन सी है, अपने दिमाग से सोचो। आप कोई भी संस्था, जो व्यक्तिगत संस्था है चाहे 50 संस्था बन जाएं, बाबा साहब के नाम पे पता नहीं कितनी संस्थाएं बनी हुई हैं, और पूरी इंडिया और बाहर की बात करें तो संस्थाओं के आप गिनते गिनते रह जाओगे। अगर ऐसी संस्था दिल्ली में भी पैदा हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब की संस्था अपना अस्तित्व खो देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बाबा साहब की संस्था ने यहाँ पे आपके सामने प्रोग्राम किया है, ये युवाओं का जो भटके हुए युवाओं हों उन सब के लिए सबक है, उनके लिए चाहिए कि देखें, सोचें, दिल की बात को समझें और हमारा जो पूरा इतिहास उसको देखें। आजकल के जो लोग हैं जो उनको बरगला रहे हैं, बाबा साहब ने खुद कहा था कि उनको हमेशा पढ़े लिखे उन्होंने धोखा दिया, ये आज भी ऐसा ही हो रहा है। आगरा के अंदर उन्होंने एक मन से वो बड़े दुख से कहा था कि मुझे जो धोखा दिया, हाँ, वो आज भी बादस्तूर जारी है। आज भी हमारे पढ़े लिखा समाज आपको ये बताता है, मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वही आदमी एक अलग संस्था बनाकर एक नई संस्था बना लेते हैं। आज हमारी दिल्ली की आबादी, और मैं कह रहा हूँ इस दिल्ली के अंदर ही कई कई संस्था मौजूद हो गई हैं। व्यक्तिगत रूप में लोग बाग इसमें इतना दिलचस्पी लेते हैं, पैसा लोगों से लेते हैं, जब पैसा जितने लोग दानी हैं जो लोग पैसा इन प्रोग्राम को लेते हैं उन्हीं से दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया पैसा लेती है। तो दिल्ली आपसे हम पैसा लेने कहाँ कहाँ आप पैसे देते हैं? तो हमारे युवाओं के बीच में ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि हम लोगों ने उन लोगों के बीच में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, तो वो आजकल भ्रांति के शिकार हैं। मतलब एक धर्म के ठेकेदार हो गए, ये कह सकते हैं धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संस्था संस्था ही होती है, संस्था से आदमी बनता है, आदमी गरीब संस्था का व्यक्ति होता है, तो हमें संस्था का साथ देना चाहिए। आज भंडारी जी हमारे बीच में बहुत आचार्य शांति स्वरूप बोध जी हैं, 1996 से कभी शांति स्वरूप बोध जी ने ये यहाँ से बुद्धा गार्डन का ये पर्व शुरू किया था, और आज बहादुरपुर अब तक जारी है। आज तक हमारे बीच में शांति स्वरूप बोध जी बड़े उत्साह के साथ गतम पूरी टीम अपनी यूथ पर विदिशा की पूरी टीम को लेकर आते हैं। भंडारी जी बीच में हल्का सा एक आपने देखा की गतिविधियाँ जब एक थोड़ी सी परिवर्तन आया तो भंडारी जी ने इसका जो है किया, तो आज उनके नेतृत्व में आज यहाँ वह प्रोग्राम पिछले 2-3 साल से हो रहा है, और बादस्तूर इतने अच्छे तरीके से हो रहा है, सिस्टमेटिकली हो रहा है। इसमें यूथ और बुद्धि समझा के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहयोग है। आपके चैनल उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ।